बातें हो गई तो शुरू करें। आज सारे मुझे ग्रीन्स एंड ब्लूज दिख रहे हैं ना, मजा आ रहा है। और ब्लैक मतलब और भी कोई भी कलर नहीं है ना यहाँ पे। आप लोगों का प्री प्लान था जी? अरे नहीं था, वैसे सब सोचे थे वापस आ रहे हैं तो ग्रीन मिल जा रहे हैं। ओके सो हम स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि हमारी कोई भी इवेंट, ट्रेनिंग या मीटिंग का आज किसका होता है? इतने आराम से बोल रहे हैं, मुझे एनर्जी चाहिए थी, आवाज नहीं आती बेटा मेरे कानों में। और उसके लिए हमें अपनी सीट से खड़ा होना होगा। थैंक यू सो मच। ओके तो हम अपना यस चले पहले हम अपने साथ आए, हाई मिलके कराते हैं। हम अपना लेफ्ट लेग आगे करते हैं, यानी हम कामयाबी की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। हम अपना लेफ्ट हैंड आगे करते हैं, यानी हम टारगेट ओरिएंटेड हैं। हम अपने सीधे हाथ को बुलंद करते हैं कि हम कामयाबी की बुलंदियों को छूना चाहते हैं। जो जितनी कामयाबी की बुलंदियों को छूना चाहता है वो उतना हाथ ऊंचा रेस कर सकता है, लेकिन ध्यान रखते हुए कि कदम बढ़ाना चाहे। दैट वाज एन एडिशनल फ्रॉम मी। मैं क्लैप को आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करूंगी, आप लोग मेरा साथ देते जाएंगे। मैं क्लैप को तेज करती जाऊंगी, आप लोग मेरा साथ देंगे। मैं कहूंगी ओरिफ्लेम, आप लोग कहेंगे यस। मैं कहूंगी पाकिस्तान, आप लोग दिल की गहराइयों से कहेंगे जिंदाबाद। और फिर मैं कहूंगी नंबर, और आप लोग जिस भी नंबर में वो कहेंगे। ओके सो आर यू रेडी? यस। एक बार और, आर यू रेडी? यस। मजा आया। ओके आर यू रेडी? यस। स्टार्ट। जितनी दफा 2000 वर्ड का आप ऑर्डर कर रहे होंगे उतनी दफा आप ये लिपस्टिक के शेड्स अवेल कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना है कि कैटलॉग वर्ड 2000, जिसमें आपकी कोई सेल्स लाएगी प्रोडक्ट नहीं होगी, या फिर कैटलॉग में हर वो प्रोडक्ट शामिल नहीं होगी जो कि 40% ऑफ। इसी तरह नवंबर में जो है एसेंशियल्स का स्क्रब एंड क्रीम हमें मिल रही होगी 40% ऑफ में।
दिसंबर में हमें जीजी के ब्रॉन्जिंग पर्ल्स मिल रहे होंगे जिसमें तीनों शेड्स होंगे और आप अपनी मर्जी का शेड अवेल कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं दीवान की बीबी क्रीम, मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट है और इस वक्त डिस्काउंट में आई हुई है, जो कि आप इजीली एज अ फाउंडेशन मीडियम कवरेज के साथ जो है यूज कर सकते हैं। स्कूल यूनिवर्सिटी गोइंग कॉलेज गोइंग गर्ल्स जो है वो इजीली अप्लाई कर सकती हैं। दो शेड्स होते हैं लाइट एंड मीडियम, आप अकॉर्डिंग टू स्किन कॉम्प्लेक्शन दे सकते हैं। 949 में ये डिस्काउंट पे आई हुई है। उसके बाद बात करते हैं दीवान सुपर मैट लिपस्टिक्स, मोस्ट डिमांडिंग लिपस्टिक्स हैं, बहुत जबरदस्त कवरेज है। पहले हमारे पास मैट लिपस्टिक्स होती थी, ये उसके भी आगे का वर्जन है सुपर मैट लिपस्टिक्स, जिसमें हमारे पास इस वक्त 6 शेड्स हैं और ये इस वक्त 30% ऑफ पे आई हुई है। मेक श्योर कि जितनी डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स हैं वो जब तक कैटलॉग है उस वक्त तक है, जैसे ही न्यू कैटलॉग लॉन्च होगी ये डिस्काउंट्स खत्म हो जाएंगे और प्राइसेस रिवर्स हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास मेकअप ब्रशेस आ गए। इसमें मजे की बात यह है कि नॉर्मली अगर हम दूसरे ब्रांड पे जाएं या अगर हम कोई और ब्रशेस लेना चाहें तो ब्रशेस किट्स अवेलेबल होती हैं, जो कि आपको अच्छी एक्सपेंसिव उसमें प्राइस में मिल रही होती है। यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि जिस ब्रश की आपको नीड है आप वो ब्रश अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको फाउंडेशन ब्रश चाहिए आप वो ले सकते हैं, आपको कंसीलर ब्रश चाहिए, आई शेड चाहिए, आप अपनी मर्जी का वो सिंगल ब्रश ले सकते हैं, या अगर कोई किट की डिमांड करता है तो आप उसको किट अपनी मर्जी से बनाकर दे सकते हैं। ठीक है, 10% ऑफ पे आएगी अगर आप कोई एक ब्रश लेते हैं। इस ऑफर को समझने का आएगी, अगर आप एक ब्रश लेना चाहते हैं तो आपको 10% ऑफ पे मिलेगी। 10% ऑफ यानी अगर हम बात करें कंसीलर ब्रश की तो वो 279 रुपीज में मिल रहा है। ठीक है, और अगर हम एक से ज्यादा ब्रशेस लेना चाहते हैं तो हमें ईच 20% ऑफ पे पड़ेगी, यानी 249 रुपीज की ईच। एक लेंगे तो 279 और एक से ज्यादा लेंगे तो ईच आपको 249 रुपीज की पड़ेगी। ठीक है, सेम इसी तरह तमाम ब्रशेस की प्राइसेस 10% ऑफ पे भी है और एक से ज्यादा लेंगे तो आप 20% ऑफ। अमूमन ये कंफ्यूजन होती है कि अच्छा 20% ऑफ पे अगर एक से ज्यादा ले तो एक दफा प्राइस पे करके जो है वो मल्टीपल ले रहे, ऐसा नहीं है। ईच आपको 20% ऑफ के हिसाब से बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद बात करते हैं हमारी मंथली क्विक पिक ऑफर, जो कि 40% ऑफ पे हमारे पास फूड परफ्यूम्स आए हुए हैं, मेल एंड फीमेल दोनों। इस ऑफर को समझ लें, 40% ऑफ पे ये परफ्यूम मिल रहा है इन अक्टूबर, जिसकी प्राइस है 1619 और बीपीज भी मिल रहे हैं आप लोगों को 21। ये तमाम ऑफर्स के जो बीपीज होते हैं एक तरीके से एडिशनल बीपीज होते हैं, जिनकी वजह से आप अपने टारगेट्स ईजिली पूरे कर सकते हैं। ठीक है, नवंबर एंड दिसंबर में ये 2159 का मिलेगा, सिर्फ अक्टूबर में 1619 का। अक्टूबर के बाद ये आपको 1619 का नहीं मिलेगा, 21 बीपीज आपको मिल रहा है। और आप कैटलॉग में देख सकते हैं, सबके पास होगी कैटलॉग, आप देख सकते हैं कि आप इजीली इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी मोस्टली कस्टमर्स हमें कह रहे होते हैं कि हम परफ्यूम्स कैसे टेस्ट करें, तो जो भी न्यू परफ्यूम या लॉन्च होता है वो आप इजीली जो है कैटलॉग में से टेस्ट करा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया वुमेन्स कलेक्शन। ठीक है, ये भी अक्टूबर में 40% ऑफ पे मिल रहा है, यानी 1259 रुपीज का, और इसके बीपीज है 16। सेम इसको भी आप कैटलॉग में ट्राई कर सकते हैं, इसको आप अपनी से रब करें और करें बिल्कुल सिमिलर जो है उसकी फ्रेग्रेंस होती है। नवंबर एंड दिसंबर में ये 1679 रुपीज में हमें मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह मंथली क्विक पिक ऑफर नवंबर की है, एसेंडेंट परफ्यूम जो कि मेल परफ्यूम है मेंस के लिए है, ये आपको 40% ऑफ पे मिलेगा नवंबर में 2399 रुपीज में, और अक्टूबर एंड दिसंबर यानी इस महीने और दिसंबर में इसकी प्राइस होगी 3979। इन ऑफर्स को लाजमी समझ लें, क्योंकि अक्सर लोग जो है नवंबर में ज्वाइन करके या उस महीने के बाद ज्वाइन करते हैं और ये समझते हैं कि शायद हमें उस प्राइस पे मिल जाए। ठीक है, बहुत इजीली जो है मेंशन हुआ हुआ है, जिसकी ओरिजिनल वर्थ है 3979। ठीक है, सेम इसी तरह दिसंबर में हमें जो डानी गोल्ड का एसेंजा परफ्यूम मिल रहा है, जो कि फीमेल परफ्यूम है और इसका जो कैप है वो गोल्ड प्लेटेड है। ठीक है, ये हमें दिसंबर में मिलेगा 40% ऑफ पे, यानी 1599 में। अक्टूबर एंड दिसंबर यानी इस महीने और दिसंबर में हमें मिलेगा
5,799 और आप यहाँ पर देख सकते हैं बीपीस का डिफरेंस भी है, जिस महीने ये डिस्काउंट पे है उस महीने बीपीस भी कम है और जिस महीने डिस्काउंट पे नहीं है या अगर है भी और ज्यादा उस पे तो बीपीस भी उस लिहाज से ज्यादा है, जबकि इसकी एक्चुअल वर्थ है 5,799 और बीपीस भी इसके 80s या 90s समथिंग है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं लव नेचर एलोवेरा रेन। लव नेचर माइल्ड रेंजेस में से होती है, आप सबको पता है विंटर्स आ रहे हैं और नॉर्मल या कॉम्बिनेशन स्किन भी जो है वो ड्राई की तरफ स्विच हो रही है, ड्राइनेस हो रही है बहुत ज्यादा, तो बेस्ट रेंज है लव नेचर एलोवेरा की कि आप इजिली नॉर्मल और कॉम्बिनेशन स्किन को या जिनको ड्राइनेस का इशू है वो आप उनको देख सकते हैं। 30% ऑफ पे आई हुई है ये भी, दिसंबर तक ये डिस्काउंट वैलिड है। अच्छा, दीवन आईलाइनर स्टाइलो, इसका मार्कर लाइनर है, ठीक है, इजीली अप्लाई हो जाता है और एक चीज होती है मार्कर लाइनर है तो लाइफ जो है एज कम्पेयर टू अदर लाइनर इसकी कम होती है। दो शेड्स हैं, ब्लैक एंड ब्राउन, 30% ऑफ पे भी ये लाइनर आया हुआ है। अच्छा, इसके बाद डायमंड सेलर एंटी एजिंग क्रीम जो कि मोस्ट फॉर्मिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, 3,839 रुपीज में आई हुई है और 1,000 रुपीज का ऑफ है इस क्रीम पे, ठीक है, और मॉइस्चराइजिंग भी इसमें अच्छा खासा है, आप विंटर्स में जो है वो इजिली दे सकते हैं। उसके बाद 50% ऑफ पे हमारे पास आई हुई प्योर स्किन की पूरी रेंज, यानी आप आपके पास फेस लोशन और प्योर स्किन स्क्रब एंड मास्क सेचेट पे, ठीक है, यानी आपके पोर्स ओपन का इशू हो गया, एक्नी, पिंपल्स, ब्लेमिशेस, इन सब का जो है सॉल्यूशन है। उसके अलावा हमारे पास और भी प्रोडक्ट है प्योर स्किन का, ब्लैक हेड मास्क, टोनर, फेस वॉश स्क्रब एंड स्पॉट जेल। 50% ऑफ हमारे पास दो प्रोडक्ट पे आया हुआ है, फेस लोशन एंड स्क्रब एंड मास्क सेचेट पे। अच्छा, उसके बाद ऑप्टिमल्स की रेंजेस, वक्त कैटलॉग में तकरीबन तमाम ऑप्टिमल्स की रेंजेस जो है वो डिस्काउंट पे हैं। इवन हम हाइड्रा की बात करें, ऑप्टिमल्स एज रिवाइज की बात करें, ठीक है, यहाँ पर ऑप्टिमल्स की इवन आउट क्रीम है जो कि 1,079 रुपीस में मिल रही है, यानी 25% ऑफ है पूरी हाइड्रा की रेंज पे और ऑप्टिमल्स की रेंज पे, ठीक है, ऑप्टिमल्स इवन आउट जो कि आपके डार्क सर्कल्स को जो है वो खत्म कर रही होती है। उसके बाद ऑप्टिमल्स हाइड्रा की रेंज है जो कि ऑयली नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन और ड्राई स्किन को जो है वो दे रहे होते हैं जिनको डिहाइड्रेशन और पानी की कमी होती है, तो स्किन को जो है ये हाइड्रेट करती है ऑयली से। अच्छा, ऑप्टिमल्स एज वाइज का क्लिंजर एंड टोनर और हाइड्रा का क्लिंजर एंड टोनर, यहाँ पर आप देख सकते हैं इवन आपने कैटलॉग में देखा होगा कि तमाम प्रोडक्ट के आगे बकायदा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है जिसको आप इजीली जो है वो रीड कर सकते हैं और आगे रिकमेंडेशंस में जो है वो आसानी होगी। ऑप्टिमल्स एंटी सेलुलाइट जेल और ऑप्टिमल्स बॉडी फॉर्मिंग लोशन दोनों 20% ऑफ पे आई हुई है। ऑप्टिमल्स फॉर्मिंग लोशन का क्या काम होता है कि आपकी बॉडी का जो भी एरिया अनइवन होता है उसको इवन करती है, प्लस एंटी सेलुलाइट जेल जो है वो आपकी बॉडी के फैट्स को कम करता है, स्ट्रेच मार्क्स जो है वो रिड्यूस करता है। ऐसा हरगिज भी नहीं होता कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जेल लगा लें तो फैट्स ऐसी रिड्यूस हो जाएंगे कि आप बस लगाएं, और आपको लाजमी अप्लाई करके कुछ ना कुछ रनिंग में रहना है ताकि आपकी बॉडी वार्म अप हो, जिसकी वजह से आपका जो है जो फैट्स हैं वो रिड्यूस होते हैं। अगर आप जिम जा रहे हैं तो आप उसको अप्लाई करके चले जाएं। नॉर्मली भी खवातीन घर में काम वाम कर रही होती हैं तो इसको अप्लाई करके जो है कर सकती हैं, ठीक है। 20% ऑफ पे आई हुई है दोनों प्रोडक्ट। अच्छा, उसके बाद ऑप्टिमल्स हाइड्रा की डे क्रीम एंड ऑप्टिमल्स एज रिवाइज की डे क्रीम, उसके अलावा हाइड्रा मैट जो कि ऑयली स्किन के लिए है, ये तमाम चीजें 30% ऑफ पे आई हुई है। अच्छा, लव नेचर बाम्स जो न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है, 3 फ्लेवर्स आए हुए हैं, मैंगो, मेलन एंड कोकोनट। इस ऑफर को भी समझ लें, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ऑफर जो है वो किसी खास मंथ की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 3 मंथ्स में आप इस ऑफर पे इन बाम्स को अवेल कर सकते हैं। अगर कि आप एक बाम ले रहे हैं तो आपको 15% ऑफ पे मिलेगी, अगर कि आप एक से ज्यादा ले रहे हैं यानी 2 ऑर्डर करें या 2 से ज्यादा तो आपको ईच 30% ऑफ की पड़ेगी, ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। 15% ऑफ के बाद एक बाम की प्राइस होगी 425, और अगर आप अपने ऑर्डर में एक से ज्यादा यानी 2, 3, 4 मल्टीपल में ऐड कर रहे हैं तो आपको ईच 345 रुपीज की पड़ेगी।
ठीक है, तीन फ्लेवर्स हैं इसमें, लेमन, मैंगो एंड कोकोनट। ठीक है, अब कैटलॉग का गो थ्रू कर लिया हमने, अब हम आगे आ जाते हैं खास उन प्रोडक्ट्स पे जो कि न्यू प्रोडक्ट्स हैं या फिर और हमारी स्किन केयर की ऑप्टिमल्स की रेंज, प्लस हमारे पास जो लिपस्टिक्स है दीवान की एंड कलर बॉक्स की, वो डिटेल में जो है आज हम उसकी एप्लीकेशन भी देख रहे होंगे तमाम प्रोडक्ट की और उनके बारे में डिटेल समझ भी रहे होंगे, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इन्वाइट करूंगी गोल्ड डायरेक्टर अरीशा जावेद को। अच्छा, हम यहाँ पर पहले स्टार्ट करते हैं हाइड्रा के सेट से, ताकि पहले स्किन की केयर हो जाए, इसके बाद लिपस्टिक अच्छी लगेगी, है ना? ओके, तो हम यहाँ पर साथ में बताएंगे भी हाइड्रा के हवाले से और उसका एक डेमो भी होगा, तो मुझे पहले से बता दें कि कौन होगा जो डेमो के आना होगा, उनके फेस स्पेसिफिक एप्लीकेशन करके दिखाया जा रहा होगा प्रोडक्ट। एनी वन फ्रॉम यू? स्किन टाइप ऑयली, ऑयली स्किन। एनी वन एल्स? हमारे पास कॉम्बिनेशन मौजूद है और ऑयली भी मौजूद है। कॉम्बिनेशन, सो यू बोल्ड, सही है, आप लोग ने आना होगा। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हाइड्रा के बारे में, आप लोग क्या चाहते हैं, हाइड्रा का वर्ड सुन के क्या लगता है, क्या रेंज होगी? हाइड्रेट, हाथ उठा के, हाइड्रेटिंग होगा, हाइड्रेटिंग होगा। और ऑप्टिमल्स की रेंज बेसिकली अगर एक ओवरऑल में देखा जाए तो वो क्या काम करती है, ये कौन बताएगा? थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्टिमल्स की रेंज का ओवरऑल में पूछ रही हूँ, काम क्या है? एक उसका एक डिराइव आउट हुआ है ना हाइड्रा, तो ऑप्टिमल्स की रेंज का काम क्या है? स्किन रेंज है और स्किन रेंज है और जो एजिंग के स्टार्टिंग साइंस होते हैं उसको क्योर करती है, प्रिवेंट करती है। और कोई? एनीवन एल्स? ओके, ऑप्टिमाइज करती है हमारी स्किन को। ठीक है, हम आप बात करते हैं ऑप्टिमल हाइड्रा में, और ऑप्टिमल हाइड्रा में वैसे तो तीन से चार फर्दर रेंजेस मौजूद है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, लेकिन हम उसकी बात करेंगे जो हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान में हमारे पास कौन सी दो इसमें फर्दर डिविजन अब मौजूद है? हाइड्रामैट एंड रिप्लेनिश करना है स्किन को। रिप्लेनिश इज ऑल अबाउट
फिल अप कर लेना, पंप कर देना कुछ, ठीक है, वापस से बूस्ट हो गई, वापस से रेडिएंट हो गई, उसका ये काम जो है वो हमारा कौन कर रहा होता है, ब्राउन डेल का। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स मिनरल्स है जो कि सी में पाए जाते हैं और तभी इसके अंदर बहुत हाइड्रेटिंग और नरिशिंग प्रॉपर्टीज है। सी समंदर, सी यस समंदर में पाए जाते हैं, ठीक है, कौन से कॉम्प्लेक्स मिनरल्स जो इसके अंदर शामिल है, तभी वो नरिश करते हैं हमारी स्किन को, हाइड्रेट करते हैं और हमारी स्किन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। साथ में इसमें विटामिन शामिल है, विटामिन और एंटी पॉल्यूटेंट्स शामिल है। एंटी पॉल्यूटेंट्स आपकी स्किन को रेडी कर रहे होते हैं हमारे इतने प्यारे एनवायरमेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि हम पता है हम बाहर निकलते हैं, अगर इनफैक्ट हम बाहर नहीं भी निकलते तो हमारी किचन हीट होती है, हमारा घर का एटमॉस्फेयर, हमारी सारी इर्द गिर्द धूल मिट्टी पोल्यूशन, सारी चीजों से जो हमारी स्किन पे इफेक्ट्स पड़ रहे होते हैं, उसके लिए वो क्या एक्टिव कर देता है, जो विटामिन और जो सारे मिनरल्स और ये सारी चीजें शामिल है उसके लिए एंटी पॉल्यूटेंट्स को एक्टिव कर रहा है और हमारे हमें एनवायरमेंटल एग्रेशन से यानी जो एनवायरमेंट की सख्तियां हैं उससे हमारी स्किन को प्री प्रोटेक्ट कर रहा है। सही है ये वाली चीज। इसमें एक और चीज भी मैंने पढ़ी थी इसके हवाले से कि ये एक प्रोटेक्टिंग शील्ड दे देता है, इस तरह की जैसे आपकी सेकेंड स्किन आपके ऊपर आ गई, आपकी स्किन पे सेकेंड स्किन आ गई, इट हैज सच प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है, शील्ड क्रिएट कर रहा है हमारी स्किन पे। एक और चीज जो हमारा आने वाले कभी के, यस यू मे आस्क, एक चीज बस एंड करूं, यू मे आस्क द क्वेश्चन, अच्छा हमारे आने वाले जो एक्नी है या पिंपल्स है या किसी भी चीज की आने वाली जो चीजें है ना, उन सबको ये पहले से प्री प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली द राइट वर्ड, अपकमिंग डैमेजेस जो है उसको पहले से शील्ड करना शुरू कर देगा कि वो ना अपेयर हो, उनको काउंटर कर पाए। हनी और क्वेश्चन ना, आपके अंदर एक प्रोटेक्शन दे रहा होता है, सारे जो एक ओवरऑल जो इंग्रीडियंट्स वर्क करते हैं इस तरह वर्क करते हैं कि आप मतलब आपकी स्किन के लिए वो एक तरह से एक ऊपर लेयर प्रोटेक्शन लेयर आ जाती है, ठीक है, लेयर ऑफ प्रोटेक्शन आ जाती है बेसिकली, विच इज नॉट अ फिजिकली फीलेबल लेयर, आपको फिजिकली फील नहीं होगी वो, लेकिन यस इट वुड बी देयर, जो आपकी स्किन को एक्चुअल स्किन को शील्ड कर रही है। सही है, यू गेट इट, अब क्लियर हो गया चीज को लेके। ये हमने बात करी थी ऑप्टिमल्स हाइड्रा रेडियंस की, ऑप्टिमल्स हाइड्रा रेडियंस में हमारे पास मौजूद है ऑप्टिमल्स का फेस वॉश या जो हमारा जेल वॉश है, जेल वॉश के अंदर एक बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी है जिसमें हमें दिखता भी है ये ये क्या चीज है इसमें ब्लू ब्लू कलर की सीड्स, ठीक है, अक्सर लोग इसको ग्रैन्यूल्स समझते हैं, अगर इसके अंदर ग्रैन्यूल्स यानी इसके अंदर दाने मौजूद होते हैं तो फिर ये स्क्रब फेस वॉश कहलाता है, ये जेल फेस वॉश है, इसके अंदर जो आपको दिख रहा है ये बीड्स है और इस बीड्स के अंदर कौन बताएगा क्या मौजूद है, एलमंड तो नहीं मौजूद, क्या मौजूद है, मिनरल्स, एलमंड के ऑयल मौजूद, ठीक है, एलिमेंट ऑयल, हम अक्सर जो है वो प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे होते हैं कि हमारी स्किन को जो है वो ऑयल्स चाहिए, ये चाहिए, हम अलग से ऑयल लेके वो कर रहे हैं, अक्सर लोग डिमांड करते हैं कि हमें स्किन प्रोटेक्शन के लिए, स्किन की ग्लो के लिए, रेडियंस के लिए हमें कोई ऑयल रिकमेंड करते हैं, ये चीज़ एलिमेंट ऑयल वन ऑफ द बेस्ट ऑयल्स है फॉर स्किन। अब ये होता क्या है, इसके अंदर जो बीड्स मौजूद हैं वो हमारी स्किन पर रब जब होते हैं तो ये बीड्स घुल जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं और एलमंड ऑयल हमारे स्किन को मिल जाता है, तो तभी हम जब इसको लगाते हैं ना मेरे देखते हैं ये गायब का हो रहा है, ये अगर आप कभी इसको एक्सपेरिमेंट करो एक इस बीड को लेकर इतने मजे से ये सॉफ्टली डिजॉल्व होता है तो ये हल्का सा एक्सफोलिएट भी कर रहा होता है हमारी स्किन को, एक्सक्यूज मी सॉरी, एक्सफोलिएट भी कर रहा होता है हमारी स्किन को। ये हमारा हो गया फेस वॉश, उसके बाद हमारे पास आ जाता है टोनर, रिफ्रेशिंग टोनर, ऑलरेडी एक ये मॉइस्चर लॉक करने वाली, रेडिएंट करने वाली, प्री प्रोटेक्शंस देने वाली एक रेंज है और ये हमारा जो टोनर है वो रिफ्रेशिंग टोनर है। टोनर का काम बेसिकली होता क्या है, पोर्स को टाइटन अप करना, हमारे पीएच को बैलेंस करना, जो हमारे पीएच स्केल होता है 0 to 14 एंड बीच में हमारा न्यूट्रल होता है, तो हमारी जो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन के लिए यूज हो रहा है, जैसे नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन टू ऑयली सबके लिए, तो ये उसको क्या करेगा, बैलेंस आउट करेगा, यानी अगर ऑयली है और बहुत ज़्यादा वो एसिडिक की तरफ जा रही है तो उसको बैलेंस आउट करेगा, कॉम्बिनेशन है उसको बैलेंस आउट करेगा और हमारी स्किन को एक तरह से शील्ड भी प्रोवाइड करता है। यस ओके फाइन, अच्छा
फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है जो हमारी मैनेजर इफ्फत फातिमा उनको इन्वाइट करेंगे ताकि वो हमें एप्लीकेशन करके दिखाएं प्रोडक्ट्स पहले इसकी एप्लीकेशन हमें ये पता है कि अगर अभी हम क्या करके देख रहे हैं ये फेशियल डेमो नहीं है ये स्किन केयर डेमो है जो हमारा डेली स्किन केयर रूटीन होता है तो हम उसमें हम कितनी एप्लीकेशन लेते हैं जेल वॉश हाफ की साइज क्या होता है मटर के दाने आधा मटर का दाने के बराबर ठीक है लिपस्टिक कर रहे थे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे आप पहले तो इसको वो करेंगी ना क्लींस करेंगी थोड़ा सा मेकअप एप्लीकेशन हुआ है अच्छा नॉर्मली हमें दिन में कितना टाइम मिल जाता है कि यार दो दफा रूटीन करना है तो कितना सारा टाइम चाहिए होगा टेन मिनट्स किसने बोला सच्ची बात करी किसने बोला टेन मिनट्स लगते हैं हमें लगता है लेकिन आज हम बताएंगे कि किस तरह जो है वो टू मिनट्स लग रहे होते हैं ठीक है यहाँ पे डेफिनेटली आप लोग को एप्लीकेशन करके दिखाई जा रही है पहले प्रिंट का मेकअप रिमूवल भी हो रहा है साथ में इट वुड टेक टाइम कि मैं बताऊंगी कि मैं यहाँ पे किस तरह करती हूँ जल्दी जल्दी किया और हमें 10 काम और होते हैं है ना हम उसकी तरफ कैसे मूव कर सकते हैं मीनवाइल ये अप्लाई हो रहा है हम आगे बात करेंगे हम जेल वॉश पे बात कर चुके हैं हम टोनर पे आ जाते हैं टोनर की एप्लीकेशन कितनी होती है आपने उसको कॉटन में लिया आइदर ठीक है आइदर आपने उसको टिश्यू में लिया जिस भी तरह आपने उसको अप्लाई किया और आपने वैसे ही उसको ड्राई आउट होने दे दिया ठीक है टिश्यू नहीं है यहाँ पे हमारे पास वाओ कोई बात नहीं एनीवन ओके फाइन तो हमारे बहुत अच्छे से मेंबर्स हैं हमें बहुत सारी चीजें ऑन द स्पॉट अवेलेबल भी मिल हो जाती है ना नो नीड टू वरी अच्छा यहाँ पर हम सिर्फ दो ड्रॉप्स लेते हैं इनफ ठीक है और इससे फेस को क्लीन करना है ठीक है और क्लीन करने के बाद फिंगर टैपिंग करनी होती है अपनी फिंगर से टैपिंग करनी है आईज में ना जाए इसका ध्यान रखना होता है कुछ लोग दिल चाहते हैं तो इतना महंगा वाला टोनर लगा रहे आंखों पे भी लगा लो तो फिर आंखें मलते ना रह जाएगा दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी ओके फिंगर टैपिंग अंदर जाती है फाइन ओके हेलो कोई जोक है मुझे भी सुनाए ना अच्छा फिर हम आते हैं किसकी तरफ आई क्रीम एप्लीकेशन की तरफ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्योंकि अक्सर लोग बताते हैं और हमने तो कितने साल आई क्रीम यूज करी लेकिन यार कोई फायदा नहीं हुआ उल्टे और पफी बैग्स बन गए इसकी रीजन क्या होता है कि हम आई क्रीम का एप्लीकेशन गलत कर रहे हैं हम यहाँ पे बात करेंगे ऑप्टिमल्स हाइड्रा सीइंग इज बिलीविंग की आई क्रीम ये कितनी अप्लाई होती है कितनी क्वांटिटी में राई के दाने के बराबर सही है अच्छा हमने इसको और कौन सी फिंगर से अप्लाई करते हैं इसको रिंग फिंगर से रिंग फिंगर कौन तो ये वाली होती है ऐसे नहीं करेंगे सेकंड लास्ट फिंगर से है ना रिंग फिंगर खाली ये वाली होती है उसकी वजह क्या है कि जब हम उसको किसी हार्ड सरफेस पर रखकर अपने फिंगर्स को देखते हैं तो हमारी सेकंड लास्ट फिंगर जो है वो सबसे ज्यादा नरम होती है
सबसे ज्यादा हमारे फेस का डेलिकेट एरिया क्या है? आई एरिया। तो उस पे हमें सबसे डेलिकेट वाला पोर यूज करते हैं। उसकी एप्लीकेशन होगी कैसे वो पहले मैं बता देती हूँ, फिर आप इसमें से लेके उनके उस पर अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, ये इनफ हो, हाँ ये दोनों पे ले लें, इनफ होगी। अच्छा इसकी एप्लीकेशन देख लें पहले। अच्छा इसको आपने यहाँ पे लिया, ठीक है, डॉट 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 डॉट, मे बी 3 to 4 डॉट्स इनफ है। और यहाँ यानी हम इसको सॉकेट बोन्स पे लगाते हैं, हम इसको आईलेट्स पे नहीं लगा रहे, सॉकेट बोन्स दिस एंड दिस यहाँ पे लगाते हैं और इसको हल्के से यूं करके हमने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, कंटिन्यू। अच्छा हम इसको ऐसा करते क्यों है? हम इसकी एप्लीकेशन इस तरह इसलिए करते हैं सॉकेट बोन्स पे बिकॉज ये आई क्रीम जो है वो एब्जॉर्ब होने के बाद 1 centimeter ऊपर से नीचे और 1 centimeter नीचे से ऊपर ट्रैवल करती है। तो अगर उसको वो ट्रैवलिंग स्पेस नहीं मिलेगी तो वो पफी बैग्स फॉर्म कर लेगी। ठीक है, तो इससे डार्क सर्कल्स खत्म हो जाते हैं, तो डार्क सर्कल्स के ऊपर तो नहीं लग रही है, ये इससे नीचे लग रही है। वो ट्रैवल कर रही है, उसका काम है ट्रैवल करना 1 centimeter तक। ठीक है, उसको वो बाकी एरिया खुद कवर करेगी। आपने यहाँ से यहाँ तक एरिया कवर कर दिया, इसने यहाँ से 1 centimeter खुद कवर करना है, यहाँ से यहाँ तक एरिया कवर कर दिया, इसने 1 centimeter खुद कवर करना है। ट्रैवलिंग स्पेस नहीं मिली तो वो पफी बैग्स फॉर्म कर लेगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू टेक नोट ना, सही है। यहाँ पर हमारी आई क्रीम एप्लीकेशन हो गई, उसके बाद हमारी इनकी है नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन जिसपे सीरम एक ही है, यानी हम सेट्स का डिफरेंस बता रही है। जो सेट्स है उसमें चेंजेस क्या है खाली डे क्रीम और नाइट क्रीम इसके सेट्स में। तो अब सीरम आ गया, सीरम का क्या काम है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, और क्या होती है मैग्नेट, चिपक जाते हैं उससे, क्या होता है मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से क्या? जो एप्लीकेशन आपने फेस पे की होगी वो मैग्नेट, ये सिर्फ एक तरह प्रॉपर्टीज रखते हुए वो आपकी स्किन पे रहेगा। एग्जैक्टली, ओके फाइन, दैट्स अ गुड वन। आपका एक चैनल क्रिएट कर देगा, यानी जिन पोर्स से जिन मसामों से गुजरेगा तो वहाँ पे एक रास्ता बनाता जाएगा और एक मैग्नेटिक तौर पे मग्नातीसी ताकत रखते हुए बाकी प्रोडक्ट्स को डीप अंदर तक तीसरी लेयर तक खींचता हुआ लेके जाएगा। ये एक सबसे ज्यादा लीस्ट इम्पॉर्टेंट समझे जाने वाली मिस्टेक है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। Yes, because it is the most worthiest one. इसीलिए कस्टमर इसको लेने के लिए ज़्यादा जल्दी कन्विंस नहीं होते, पर फैक्ट मैं कहती हूँ, yes, अब मेन चीज़ क्या है, अगर हम राइट नॉलेज रखेंगे तो कन्विंसिंग इज नॉट अ बिग थिंग। और एक चीज जो मैं हर वक्त रिपीट करती हूँ कि जिस बंदे के पास भी नॉलेज होती है वो अच्छा या बुरा नहीं कहता चीज को। अब अच्छी है इसलिए ले लें, ये बुरी है इसलिए ना लें, उसका रीजन बताएगा, फिर उस बंदे को कन्विंस करेगा उस चीज पे। तो हम इसकी आप एप्लीकेशन भी देख लेते हैं, ये कितना अप्लाई होता है, नहीं जो मुंह बोल रहे हैं जोर से बोल रहे हैं, हाफ फ्री साइज, ओके ठीक है। हम इसकी एप्लीकेशन करते हैं, आई होप ये निकल जाए, मेरी मिठास करो, ओके ये कॉटन आएगा, नहीं इट्स ओके, वो यस, ये हमारा हाफ फ्री साइज इसकी एप्लीकेशन है। अगर मैंने इसको और ट्रेल किया तो मेरी फिंगर भी बह जाएगा ये बेचारा, ठीक है, ओके। सो अब इसको डॉट डॉट अप्लाई करेंगे और अगेन पूरे फेस पे मसाज करके जस्ट कर देंगे या एब्जॉर्ब कर देंगे। अच्छा मैं इसके बाद टैपिंग, हाँ तो हाँ सही है, लेकिन टोनर टैपिंग ज्यादा वो रहती है, टोनर क्योंकि ड्राई अप होना होता है ना। हाँ श्योर, किसी और को भी इसका एक टेक्सचर फील करना है तो बिल्कुल। आई हैव दिस सीरम, मुझे तो अभी सब कुछ अच्छा लगता है, योर एंड इज गोइंग टू बी थिंग्स ऑफ लाइफ जाती है। अच्छी अप्लाई करने के बाद ना लाइट फेस में जाता है ना, ऐसे वो थकावट खत्म हो जाती है, बहुत लाइट हो गया है। बहुत ज्यादा लाइट वेट है ये, मतलब इनफैक्ट आपकी फिंगर्स तक से वो हो रहा है, फील द लाइट वेट ऑफ इट। ऋषा मेकअप पे लगाएंगे तो अंदर तो चला जाएगा मेकअप। हां ना, ये मेकअप पे कौन लगाता है? ये लगाने लगी नहीं। अच्छा मेकअप पे अप्लाई करो, अप्लाई ऑन योर हैंड,
अच्छा, और हमें एक और चीज का ध्यान रखना होता है, जब भी हम मसाज कर रहे हैं एक और बात का जो हमने ध्यान रखना होता है वो ये है कि जब इसकी हम मसाज कर रहे हैं कभी भी हमें पाम का इस्तेमाल नहीं करना. क्यों नहीं करना? वो गर्म होता है. वो गर्म होता है. We should know the very desi words because yes we live in Pakistan. Easiest words आने चाहिए समझाने के लिए. हाँ, ये गर्म होता है और इसकी गर्माई फेस के लिए अच्छी नहीं होती, सिर्फ फिंगर्स पे ही रहने देना है. सही है? तो कैसा लगा इसका लाइट वेट प्रॉपर्टी? अमेजिंग ना, हाथ भी नहीं आ रहा था मतलब. ठीक है, ओके. सो अब इसके बाद हम किसकी तरफ जाएंगे? क्या रह गया हमारा? अच्छा, सीरम को और क्या कहते हैं? और बूस्टर इज द मेन वर्ड. इसके अंदर सीरम्स आते हैं और क्या क्या आता है? कैप्सूल्स आती है और क्या आता है? एसेंस. नोविज ब्राइट सबलाइन का जो होता है वो एसेंस होता है, वो सीरम नहीं होता. हाँ, मतलब हमें हम माइंड में रख रहे हैं कि क्या क्या कैटेगरी इसके अंदर आ रही है. अब हम आ गए किसकी तरफ? डे क्रीम की तरफ. भाई डे क्रीम कब लगाते हैं और नाइट क्रीम कब लगाते हैं? अच्छा भाई, एक क्वेश्चन है. मैं जो हूँ वो बाहर नहीं निकलती, मैं दिन में तो घर में ही रहती हूँ. शाम में कोई आता है तो मुझे शायद ही ले जाए बाहर बाहर, है ना? तो अगर मिसाल के तौर मैंने फुल खवातीन वाला रोना रोया अभी. अच्छा, तो उसमें मैं तो घर पे ही हूँ तो मुझे डे क्रीम की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है मुझे? एक्सपोजर. हाथ उठा के. खूबसूरत हाथ उठा के. जी तस्नीम. डे में जो हम घर में काम करते हैं, किचन की जो स्टोव वेव्स होती है, सॉरी, उसको उससे स्किन के प्रोटेक्शन के लिए ये देखनी. दैट्स अ गुड पॉइंट. अगर लाइट में अगर आप जैसे आप बाहर विंडो से बाहर आप वो है तो वो सन का एक्सपोजर भी आप पे आ ही जाता है, तो उसके लिए वो प्रोटेक्शन आ ही नहीं जाता, आ ही जाता है. अच्छा ठीक है, तो हमने अगर मैं जो हूँ फॉर एग्जाम्पल अगर स्टोव के सामने काम करती हूँ तो मुझे हीट प्रोटेक्शन भी दे रहा है, लेकिन अगर मैं वो भी नहीं करती, मैं नेरी निकम्मी हूँ तो भी ये मेरे काम आएगा. बिकॉज ये हमारी जो इन्वायरमेंटल हीट होती है, जो हमारी डे टाइम में हमारी स्किन की नीड्स होती है उनको पूरा कर रहा होता है. सो इट्स अ मस्ट फॉर योर स्किन केयर रूटीन. अब हम इसकी एप्लीकेशन कितनी करेंगे? हाफ की साइज. क्या होता है? आधा मटर के दाने के बराबर, है ना? जब मटर बड़ा हो गया थोड़ा थोड़ा कम कर ले. ओके फाइन, सही है. उसको आप अप्लाई करें. इट विल क्रिएट अ कंट्रोवर्सी राइट नाउ. ठीक है, अब हम इसको और जब तक बात करते हैं नाइट क्रीम की. नाइट क्रीम क्यों अप्लाई करते हैं? पूरी रात आपके साथ वो टाइट कर रहा, मतलब लास्ट से हो रही होती है वो. इसको नेक्स्ट डे एग्रेशन के लिए रेडी करें. एग्रेशन के लिए रेडी करें? ओह माय गॉड, फिर आप गुस्से में उठेंगे. एग्रेशन पे टायर्डनेस जो होती है हमारे से, एक्चुअली हमारे जो फेस की टायर्डनेस है उसको खत्म करता है, हमारे फेस को फ्रेश करता है अगले दिन के लिए, और हमारा जो रेस्टिंग टाइम होता है उसमें एज अ कैटलिस्ट काम करता है, यानी स्पीडी वे में काम करता है, ताकि उसको उतना ही जो टाइम मिला है उसी में उसने रिलैक्स डाउन करना है और स्किन को वंस अगेन रेडी करना है नेक्स्ट डे के लिए. ठीक है, इसलिए हम नाइट क्रीम का एप्लीकेशन करते हैं. अगेन हाफ पी साइज वाली, आधे मटर के दाने के बराबर. माइंड में रहे कि ऑप्टिमल्स की जो ये रेंज है हमारी, ऑप्टिमल्स की जो रेंज है हमारी, वो हमारी जो एजिंग साइंस आने वाले हैं उनको भी टैकल आउट कर रही होगी. सो हाउ डू यू फील? बताइए. वेरी नाइस, वेरी रिलैक्स. फील क्या है आपकी, मतलब प्रोडक्ट कैसी फीलिंग्स? आई डोंट थिंक आई एम वेयरिंग एनीथिंग राइट नाउ. ओके नाइस. और हमारी लाइट कह रहे हो 6 प्रोडक्ट्स जो है वो अप्लाई हुई है, है ना? इट्स रियली लाइट. एंड डू टेल टेलिंग मी अबाउट द फेस वॉश, के जिसके फील हुए कि इसमें बीच से फील ही नहीं हुए, पता ही नहीं चला था क्या चला. एंड अबाउट द सीरम,
नहीं इट वाज सो लाइट वेट मैं उनको यही कह रही थी बहुत सॉफ्ट फील हो रहा था जब वो अप्लाई कर रही थी ना दैट्स रियली नाइस ओके नेक्स्ट हमारे पास ऑयली स्किन आ जाए और उस पर नॉर्मल इनका रूटीन करते जाइएगा जब तक मैं जो हूँ वो प्रॉपर्टीज बता दूंगी अब हमारे पास सिंपली सेट में चेंज किया है ये रिमूव होकर डे और नाइट फ्लूइड आ गया अभी हमारे पास कौन सा मौजूद है यहाँ पे डे फ्लूइड ठीक है सिंपल इनकी भी ऐसी एप्लीकेशन होगी सारी चीजों की चेंज होगा सिर्फ वो हाइड्रा मैट हाइड्रा मैट के बारे में हाइड्रा मैट की रेंज के बारे में बात कर लेते हैं जब तक आप लोग वहां से भले ध्यान हटा भी सकते हैं क्योंकि वही सेम प्रोसेस दोबारा से हो रहा है हम अब बात करेंगे हाइड्रा मैट के बारे में जो के किस स्किन के लिए ऑयली स्किन के लिए मैट का मतलब क्या होता है जिसके ऊपर चमक ना हो है जिसकी चमक स्मूथ कर दिया जाए स्मूथ सरफेस जो के आईज को एकदम वो ना करे ना इस तरह की चीज ठीक है अगेन इसकी भी वही प्रॉपर्टीज है ओवरऑल एज अ रेंज देखा जाए स्किन को ब्राइटन अप करती है हमारी स्किन की वो एनहांस अप करती है नेचुरल रेडियंस लेकर आती है उस पर मैटिफाई करती है स्किन को यानी स्किन की जो शाइन या ऑयलीनेस है उसको रिड्यूस करती है बूस्ट करती है हमारा रेडियंस यानी क्या बताया निखार यस नरिश करती है इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो कौन से है एक तो व्हाइट विलो बार्क है यानी एक सामने दरख्त का तना है व्हाइट विलो का तना जो है इसमें इस्तेमाल किया हुआ है जिसका मेन फंक्शन है कि वो पोर फंक्शन को कंट्रोल करता है पोर फंक्शंस को अच्छा कर देता है हमें पता है कि हमारी पोर्स के जरिए ही ऑयली स्किन वालों के ऑयल ग्लैंड के जरिए क्या निकल कर आ रहा होता है पूरी ऑयल की नदियां बहरी होती हैं राइट तो वो जो इतना ज्यादा एक्सेस ऑयल होता है उसको वो कंट्रोल करता है पोर्स की एक्टिविटी को कंट्रोल में लेकर आता है साथ में माइल्डली एक्सफोलिएट भी करता है यानी इसकी प्रॉपर्टी है कि वो एक्सफोलिएट भी करेगा जब हम यहाँ तक पहुंचेंगे तो हमें इसकी एप्लीकेशन भी आप लोगों को दिखाएंगे एंड लविंग दिस ना मतलब इतना ज्यादा हाँ अभी जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे तो बताते हैं ओके इसके अलावा हमारी पोर्स को रिफाइन करता है और स्मूदर कॉम्प्लेक्शन देता है वरना जो ऑयली वाले होते हैं बेचारे उनके कॉम्प्लेक्शन भी बहुत डिफर कर रहा होता है स्किन बहुत ज्यादा हो रही होती है तो उसको एक न्यूट्रलाइज करता है सेटल डाउन करता है साथ में इसमें व्हाइट नेटल शामिल है नेटल हमारा किसी और चीज में भी शामिल है ना शैम्पू कौन से वाले शैम्पू ग्रीसी लेयर वाले में एग्जैक्टली इसमें व्हाइट नेटल शामिल है जो कि एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं यानी हमारे सारे जो टॉक्सिक्स हैं ये सब है उनको निकाहिल बाहर करता है और साथ में सूथिंग इफेक्ट देता है स्किन को ठीक है जो एक ऑयली पन जो होता है वो एसिडिक वो होता है ना तो एक मतलब एक अजीब सा फीलिंग होता है आपके चेहरे पे ऑयल आ गया एवरीथिंग तो उसको वो क्या करेगा सुकून का एहसास देगा ठीक है और उसके अलावा प्रोटेक्ट करेगा ऑयल को मतलब ऑयल को आने से और साथ में ब्लिमिशेस को कंट्रोल करता है ठीक है ये हमारी इसकी ओवरऑल प्रॉपर्टीज थी और अब हम क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन लगाना होता है बेसिकली डे नाइट फ्लूइड है मतलब जैसे ये क्रीम्स थी हम सिर्फ नॉर्मल कॉम्बिनेशन से क्रीम्स हटाकर इसका डे और नाइट फ्लूइड रख दिया तो डे क्रीम में डे फ्लूइड नाइट क्रीम में नाइट फ्लूइड इसमें एसपीएफ नहीं है जी मेरी है एक्चुअली एक सेकंड जो इसमें एक कैटलॉग में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है कि उसमें जो है ना जो सेट बना हुआ है ना दोनों में डे फ्लूइड लिखा हुआ है ना इस डे फ्लूइड में एसपीएफ नहीं है तो इसका नाइट फ्लूइड है बेसिकली एक डे है एक नाइट है दैट्स द मिस्टेक इन अ कैटलॉग ना ठीक है सेट में आपको नाइट नहीं है अलग से नहीं है ये अभी आया नहीं है अभी आया अभी हाँ नाइट फ्लूइड नहीं एग्जैक्टली इस डे फ्लूइड में एसपीएफ नहीं है राइट इस डे फ्लूइड में एसपीएफ नहीं है करेक्शन बेसिकली हमारे पास डे और नाइट फ्लूइड अलग अलग नहीं है ये पूरी बॉटल की जो है वो एक मिसप्रिंटिंग है यानी इस वाले सेट में सिर्फ पांच चीजें ही मौजूद है यानी डे फ्लूइड सही है सेम थिंग फॉर बोथ सही है एक ही फ्लूइड मौजूद है डे प्रोटेक्शन कैसे होगी कौन बताएगा
कैसे करेंगे इसकी डे प्रोटेक्शन हम? नहीं, ये हमें किससे प्रोटेक्ट कर रहा था? एनवायरमेंटल एग्रेशन से, पोल्यूशन से, एनवायरमेंटल स्ट्रेस से. तो यानी ऑलमोस्ट ये काम वही कर रहा होगा जो हम हीट प्रोटेक्शन और ये सब ले रहे थे. यानी घर के अंदर के लिए वो काफी होगा. हाँ, अगर इनकेस हमें बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर पे बीच पे हम बाइक चलाने जा रहे हैं, राइडिंग के लिए जा रहे हैं, ये तब हम एक मे बी अलग से ले सकते हैं, वरना ये आपके एनवायरमेंटल एग्रेशन को डील कर रहा होगा. इज इट फाइन? डी क्रीम लगा सकते हैं. हाँ, इट्स फाइन. अलग से भी लगा सकते हैं क्योंकि आप ये खुद फील करेंगे. अगेन, इट्स अ वेरी लाइट वेट वन. बस इतना ही बताइए ना. मेकअप से पहले आप इसको अप्लाई करते थे क्योंकि ऑयल को कंट्रोल करता है. बिल्कुल, ज्यादा इजी मेकअप इतना कर ले. हां, आप यूज कर सकते हो. आप मेकअप से पहले भी अप्लाई कर सकते हो बिकॉज़ बहुत कमाल का है. बहुत जबरदस्त है. एग्जैक्टली. और एक बहुत ही अमेजिंग मैटिफाइंग यू. हां, बिल्कुल ग्रीसी फील नहीं होता. आज हमें एक बहुत लाइट वेट इफेक्ट. एक मेंबर है बाहर, उनको प्लीज अंदर आने का कह दे. हां, सबसे लास्ट में आएगा. एक मेंबर है ना, प्लीज अंदर आने का कह रहे हैं. अच्छा, ये हम मेकअप से पहले अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये हमें बहुत ही मैटिफाइंग सा लुक देता है. हमें बिल्कुल भी ये चीज नहीं फील होने देता कि हम कोई अलग से चीज अप्लाई कर रहे हैं. वरना आप कैसे सोच भी नहीं पा रहे होते ना, मेकअप से पहले भी कुछ लगाना है. लेकिन यस, आप मेकअप से पहले पूरा रूटीन कर सकते हो और फिर इसको आप लगाओ और आराम से आप अपना मेकअप एप्लीकेशन कर लो. हम आप यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरह हम 2 मिनट में कर रहे थे ये चीज. How come 2 minutes twice a day? कि जैसे 2 मिनट में प्रैक्टिकली करना है. आपके वॉशरूम में रखा हो सकता है आपका फेस वॉश एंड टोनर. आप गए, आपने हाफ की साइज निकाला, आपने उसको 2 to 5 seconds रब करा, फेस वॉश कर लिया, इनफ. उसके बाद आपने कोई बहुत उसको घंटों घंटों रब नहीं करना था. जब आप क्लिनजिंग कर रहे हो तब आप कर रहे होते हो उसको. आपने मैक्सिमम जो है वो 5 to 20 seconds रब कर लिया, इनफ है. आपने उसका फेस वॉश करा, आपने चाहे तो उसे उधर ही डैप कर लिया और आपने अपना टोनर अप्लाई कर लिया. टोन जी क्रीम अब नहीं ना, डे फ्लूइड लगना था, बस हो गया. ओके, हमारे पास जी लगा रहे. हमने आए, हम टोनर अप्लाई किया, हम बाहर आए, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है? आरिया, आई क्रीम ली, आई क्रीम निकाली, इस पे करी, रब करी. इट विल टेक लाइक 20 सेकंड्स एट मैक्स. एग्जैक्टली, बहुत कम लगती है, बहुत कम रबिंग होनी है. सीरम एंड मॉइस्चराइजर की हमें कितनी सेकंड रबिंग करनी है? 30 सेकंड्स वो रबिंग हुई, बाकी तमाम चीजें हमारी 2 to 2.5 minutes में इजिली डील हो जाती हैं. हाँ, अगर बीच में कोई काम करने रुक गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है. ठीक है, यहाँ पर हम ये हाइड्रा सेट्स को लेके कम्पीट हुआ. इस स्कूल को लेके आप लोग क्लियर हो गए कि हमारा वो क्या और आइडियलिस्टिकली देते हो, लेकिन डिपेंड करता है, इसको आप वेरी भी कर सकते हो स्पेसिफिक कंडीशन के मुताबिक. ठीक है, तो हम हाइड्रा सेट्स को लेके हुए हैं. थैंक यू सो मच फॉर बोथ द पीपल जो यहाँ पे आए. कैसा फील हो रहा है अपना फीडबैक? बहुत रिलैक्सिंग फील हो रहा है और बहुत कूल लग रहा था जब वो कर रही थी मैं डेली. हाँ, एंड इट्स द मोस्ट सूदिंग थिंग ना टू अप्लाई. सही है. ओके, थैंक यू सो मच. अब हम आते हैं, स्किन रूटीन्स हो गए और अब थोड़ा सा हम इनहांस कर ले फेस को किस चीज से? लिपस्टिक से. लिपस्टिक एप्लीकेशंस का किस किस को शौक है? ओके, फाइन. ठीक है, तो हम लिपस्टिक्स में जाते हैं. हमारे पास, मैं थोड़ा बहुत जिक्र करूंगी कलर बॉक्स की लिपस्टिक्स का क्योंकि वो पहले से ही हमारे पास मौजूद थी. उसके एक तो डिफरेंसेस थे जो कि हमें बताने थे. ये कलर बॉक्स की लिपस्टिक्स है जो कि हमारे पास 5 amazing shades में मौजूद है. लेकिन इसके हवाले से एक चीज बता दूं, नॉर्मली ये यंग गर्ल्स के इस्तेमाल के लिए ज्यादा अच्छे रहते हैं बिकॉज इसकी एप्लीकेशन किस तरह की है? लाइट एप्लीकेशन होती है. अगर आप फील करो इसकी एप्लीकेशन को तो आपको ये लगेगा कि जैसे ये एक टिंटेड बाम है. ठीक है, तो यू कैन नेम इट एज अ टिंटेड बाम ऑल्सो. कि लोग क्या कहते हैं, इसका बहुत हाईली पिगमेंटेड वाला इफेक्ट नहीं आता. तो यस, वी आर दी कंपनी जो कि हम सच बात बताते हैं आगे. तो यस, हमें यही बताना है कि इट्स फॉर द यंग गर्ल्स. हम इसको टिंटेड बाम का भी नाम दे सकते हैं. इट लुक्स वेरी गुड ऑन यंग गर्ल्स. और मतलब हम जैसे एक लाइट वे में अप्लाई करना चाह रहे हैं, एक लाइट सा लुक देना चाह रहे हैं, उसके लिए बेस्ट है. और उसकी क्वांटिटी पे हमारे पास क्या लॉन्च हुई है?
D1 की लिप ऑब्सेशन लिपस्टिक्स जो कि बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही बोल्ड कलर्स हैं, लेकिन क्या वो मैट है? नहीं, उसका एक बहुत ही मजे का क्रीमी फिनिश है जो कि जिसके साथ हमारे पास ओके अब इसकी यहाँ पे मैं एप्लीकेशन करके दिखाऊंगी। ओके और उसके बाद में अनफॉर्चुनेटली मेरा बड़ा दिल था कि यहाँ पे अरेंज हो जाता मेरे पास एक लिप ब्रश और लाइनर लिप लाइनर, तो मैं आप लोगों को एग्जैक्ट मेकअप जो लिपस्टिक की टेक्निक होती है एप्लीकेशन की वो भी बताती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं हो पाया, तो मैं आपको वर्बली ज़रूर बताऊँगी उसके हवाले से। एक सेकेंड प्लीज लिखिएगा। ओके शेड्स के नेम प्लीज कोई अगर बताता जाए साथ में। ये हमारे पास पीच पैशन है। ओके एंड द नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट वन वाज रेड रोज, द अदर वन वाज पीच पैशन। हम थर्ड की तरफ आ रहे हैं जो कि है रेड फीवर। हमारे पास दीज आर नॉट मैट, ये क्रीमी ही लुक है, दे आर नॉट ग्लॉसी इधर, ये क्रीमी फिनिश देता है। ठीक है, ये हमारे पास शेड है न्यूड अपील, एंड पर्सनली न्यूड अपील बहुत प्यारा कलर है, एक बोल्ड न्यूड लुक देता है। हमारे पास नेक्स्ट है कोरल क्रेज, सबसे लाइट शेड। All of them are so amazing ना, मतलब पूरी नहीं। इसकी लास्टिंग कितनी होगी? 4 to 5 hours। 4 to 5 hours हमारे पास मेंशन यहाँ पे 8 hours है। अगर हम इसको प्रॉपर एप्लीकेशन के साथ लगाते हैं yes it does stays for 8 hours, वरना हम नॉर्मली भी देखें तो 3 to 4 hours रहती है। और एक और भी बात बताती चलूंगी, हम जो एक क्वेश्चन हमारे माइंड में अपेयर होता है कि शायद हमें लगता था कि हमें एक इवेंट में ये हमारे पास जो आई है पिंक पोजेशन, अच्छा हमें एक लगता था एक इवेंट में हमें पूरी एक लिपस्टिक चलानी है ना, वरना लिपस्टिक फेल हो गई। बचपन से यही कॉन्सेप्ट था भाई, उसकी मोटी सी लेयर लगी हुई हो तो वह लिपस्टिक है, वरना वह लिपस्टिक नहीं है। इसको भी हम अभी क्लियर करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आ गया है चेरी क्रेव। चेरी क्रेव इज़ अ वेरी बोल्ड एंड अ वेरी अमेजिंग कलर। इनफैक्ट सारे कलर्स को देख कर ही मैजेंटा मानिया। आप लोग बाय द एंड ऑफ द ट्रेनिंग आप लोग ये सारे शेड्स अप्लाई कर पाएंगे, इसलिए मैं अभी नहीं इसको ओपन अप कर रही, वरना यहाँ पे रश लग जाएगा। 10 shades हैं, अगर 10 सबने अप्लाई करने हुए तो क्या होगा। इट्स अ पर्पल पावर कलर बॉक्स में इंटरेस्ट। ओके यू आर इंटरेस्टेड इन द लाइटर वन ना? ओके एंड ये हमारे पास अब आ गया है टेम्पटिंग ऑरेंज। ओके तो ये हमारे पास सारे कलर अप्लाई हुए हुए हैं, दे लुक सो अमेजिंग। ओके फाइन डन, हो गया हो गया। ओके इसमें से भी लेनी थी, यार ये गाने भाग में लेनी थी। सी ऑल द एप्लीकेशंस, भी रखा हुआ था।
एक्सफोलिएट हुए में फील योर सेल्फ आपको पता होगा इसका और फिर आप यहाँ पे आ जाए एनीवन आ जाओ दोनों आ जाओ इट्स नॉट अ बिग डील आ जाओ सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं अगर इनको प्लीज कोई टिश्यू दे दे तो ये अपनी प्रीवियस लगी हुई लिपस्टिक बोल रहे हैं पढ़ ले अच्छा लिप लाइनर्स जो है आप लोग जो है वो बातें नहीं करें क्योंकि ये वीडियो जो है आउट ऑफ सिटी के जो मेंबर्स हैं उन तक भी जाएगी तो थोड़ा पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए उनको पता चल जाएगा हम क्या कर रहे हैं अच्छा सो हम यहाँ पर आ रहे हैं लिप लाइनर्स पे लिप लाइनर्स आर अ वेरी एसेंशियल पार्ट किसी भी लिप एप्लीकेशन के लिए वरना क्या होता है लिपस्टिक जो है वो भागी जा रही होती है लिटरली वो कहीं जा रही है कुछ हो रही है वो सेटल नहीं हो रही होती है ना हमें खुद नहीं समझ आता लगाते हुए हमारे लिप्स के एंडिंग्स क्या है और क्या है और फिर वो एक मैश्ड अप लुक दे रही होती है तो हम इसीलिए अप्लाई करते हैं लिप लाइनर्स लिप लाइनर्स आपने कैसे चूज करने होते हैं लिप लाइनर्स बाय द एंड आपको अगर जो एक नॉर्मल एक जो एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है उसमें क्या होता है कि लिप्स के साथ लिप कलर के साथ लिप लाइनर्स मिक्स हो जाते हैं तो आपने पहले करनी क्या है सिर्फ एक आउटलाइन क्रिएट करनी है अपने लिप्स की आइदर आपने उसको थिन लुक देना है या फिर थिक लुक देना है जो एक्चुअल आपके लिप्स का लुक है वो देना है उसके मुताबिक आपने सिर्फ एप्लीकेशन कर लेनी है जी शेड्स के हिसाब से ये होता है कि डिपेंड करता है आप दो से तीन मतलब अगर एक नॉर्मली इसमें कहूँ तो आप दो से तीन रख जैसे आप पिंकिश एंड फुशिया वालों को अप्लाई करने के लिए कोई मैजेंडा शेड का रख सकते हैं ठीक है न्यूड्स वाली जो है उनको अप्लाई करने के लिए हमारे पास न्यूड्स में भी मौजूद है और हमारे पास रेड्स भी मौजूद हैं तो यानी एक ओवरऑल को कैटर कर लेगी अगर आप हमारे पास कितने लिप लाइनर्स मौजूद हैं इस वक्त फोर मौजूद हैं तो इफ़ यू हैव फोर टू फाइव है इफ़ यू हैव टू टू थ्री और ऑल फाइव वन तो बेस्ट है लेकिन टू टू थ्री भी आपके पास है तो वो आराम से आपकी तमाम लिपस्टिक रेंज को कैटर कर रहा होता है आप अपने लिप्स को स्ट्रेच करें एक चीज लिप लाइनर लगाते हुए लिप्स को स्ट्रेच रखते हैं और लिपस्टिक लगाते हुए स्ट्रेच नहीं लगते हम करते क्या है जब ये हाइप कर देते हैं तो लिपस्टिक लगाते हुए लिप्स को स्ट्रेच कर रहे होते हैं ठीक है लिप्स को अब स्ट्रेच करें वाई हाँ एग्जैक्टली अब हम इसकी थोड़ा और यस हम इनकी लिप्स की लाइन बनाएंगे यहाँ पे एक सेकेंड थोड़ा सा साइड पे हो जाए आप लोग करीब यहाँ पे आके खड़े हो जाएं इट्स नॉट अ प्रॉब्लम थोड़े आराम से लेकिन आके खड़े हो जाएं ठीक है थोड़ा और करें यस वो वीडियोस भी मिल जाएंगी लेकिन प्लीज थोड़ा सा साइलेंस ठीक है थोड़ा और वो करें ये हमने एक लिप लाइन फॉर्म कर दी है अच्छा एक बात हमने क्या ध्यान रखनी है अगर वहाँ पे कोई एक बम्पीनेस आ भी जाए तो वो अंदर आए वो बाहर ना आए सही है तो ये हमने अभी कौन सा अप्लाई किया था स्मोक रेड का लिप लाइनर हमने अप्लाई किया था और अब प्लीज़ हमसे हमें वहाँ से रेड लिपस्टिक दे दें अगर लिप्स ऑब्सेशन की यस थैंक यू सो मच अब हमने करना क्या है लिप्स पे डायरेक्ट ये इसकी एप्लीकेशन करनी है लिप्स को अभी नॉर्मल रखेंगी हम इस तरह लिप्स को थोड़ा सा ओपन कर लें ताकि आपकी टीथ पे ना लगे एक मिनट आपकी टीथ ओके क्लीन कर लें टीथ से ओके फाइन हमने इसको लाइट सा यहाँ पे ऐसे अप्लाई कर दिया और हमने अब ध्यान क्या रखना है इस बॉर्डर लाइन से अंदर अंदर रहना है ओके और अब हमारे पास लिप लाइनर वो कहाँ है लिप ब्रश प्लीज थैंक यू
ये हमारे पास एक बहुत अमेजिंग सा लिप ब्रश है जो कि बहुत प्रोटेक्टेड है, क्योंकि आज तक मुझे जितना याद है कि मैंने ज़्यादातर जो लिप ब्रशेज देखे हैं उस पर या तो बहुत छोटा सा कैप होता है या कोई कैप होता ही नहीं है, और वो बहुत डेंजरस है हमारे लिप्स के लिए कि कितने जर्म्स लग रहे हैं सब है। इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा कैप है जो कि ईजिली इस पूरे को कवर करता है। हमारा ओरी फ्लेम का ये लिप लाइनर है, इसको भी अगेन मैं यूज़ से पहले पहले क्लीन कर लूँगी। साइलेंट माई फोन। अब इसके ऊपर हमने इससे यहाँ से लिपस्टिक ली और इसको टेक्सचर को स्मूथ करेंगे। और अब हम मीनवाइल क्या कर रहे हैं, जो हमारा लिप लाइनर है उसके साथ उसको मिक्स कर रहे हैं। हमें इसको ब्लेंड कर दिया अपने उसके साथ। सो यस इट इज डन। एक मिनट, प्लीज अ लिटिल क्लैप फॉर हर। वी आर ऑल डन विद दिस। यस प्लीज एंड नाउ यहाँ पे कोई क्वेश्चन है आप लोग का? कोई क्वेश्चन? अगली बार हम मूव ऑन करते हैं। मेरे पास क्या तीन चीजें बची हैं? परफ्यूम्स, फेस पाउडर एंड लिप बाम। तो यस हम उसके लिए इनवाइट करेंगे वंस अगेन सीनियर गोल डायरेक्टर रबा राहत खान। ब्रश सॉरी स्पंज भी बहुत सॉफ्ट है और इजी जो है अप्लाई हो जाता है। दो शेड्स है, लाइट एंड मीडियम। आपकी जो स्किन फेस पाउडर का क्या काम होता है वैसे मेकअप में? जरूरी होता है शाइन को कंट्रोल करना। हम प्राइमर लगा लें, फाउंडेशन लगा लें, कुछ भी लगा लें, फिनिशिंग के लिए फेस पाउडर जरूरी होता है। जब तक फेस पाउडर ना लगाए आपका फेस जो है वो फ्रेश नहीं लग रहा होता। ठीक है, आपकी जो नॉर्मली आप अपने बैग में अगर रख रहे हैं कहीं जा रहे हैं कुछ घंटों बाद भी आपके फेस पे ऑयल आने लग जाता है। ठीक है, अगर आप लगा लें तो फिनिश लुक जो है वो दे रहा होता है आपकी स्किन को। ठीक है, ऑयल को कंट्रोल करता है, स्वेटिंग नहीं होने देता। जहां स्वेटिंग वो फॉरन फेस पाउडर निकाल के आप लोग लगा लें। दो शेड्स है, एक लाइट है और एक मीडियम है। लाइट शेड जो है वो अमूमन हम जो हमारे पोर्सलिन फाउंडेशन हो गए, फेयर न्यू फाउंडेशन हो गए, उनके साथ हम ये लाइट शेड का जो फेस पाउडर है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन जो है वो अभी आप लोग देख रहे होंगे। साथ में एक है हमारा मीडियम जो कि मीडियम स्किन टोन को दे रहे होते हैं। लाइक हमारा फाउंडेशन में जब हम जो डार्क शेड लाइट आईवी हो गया
ठीक है, लाइट आईवरी के साथ जो है वो आप नॉर्मली ये अलग यूज कर रहे होते हैं, या फिर हमारे पास बीबी क्रीम है, बीबी क्रीम भी नॉर्मली स्कूल या सॉरी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लगा के जा रहे होते हैं, तो उसके ऊपर आप ये फेस पाउडर अप्लाई कर लें तो आपकी जो फेस है वो फाउंडेशन का लुक दे रहा होता है। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन भी अभी बता देते हैं, प्लीज एप्लीकेशन के लिए कोई आ जाए अगर। अगर हम ये बताते हैं कि हमने राइट फेस पाउडर अगर चूज करना होता है तो उसकी हम कहाँ से चेक करते हैं? हाथों से कहाँ से? हाथों से कर लिया करें ना, हाथों में लगाना होता है। नहीं, the right thing is क्या? चीनबोन से उसको करें। यानी आपका exactly face और जो आपका neck है वो आकर match कर जाए। यहाँ इस तरह आपने उसकी application करनी होती है। हम यहाँ पे full face application नहीं करेंगे, लेकिन आपको everyday makeup का basics जरूर बता देंगे कि आपने अपना cleanse किया, अपनी skin को moisturize किया, अपनी eyebrows को fill up किया, अपने अगर आपने आई मेकअप करना है वो करा, आपने उससे पहले मॉइस्चराइज करने के बाद प्राइमर एंड फाउंडेशन अप्लाई कर लिया, अब आपका लास्ट स्टेप क्या था? फेस पाउडर, ये आपकी बेस क्रिएट करेगा। अगेन आई रिपीट दिस अगेन, आपने क्लींजिंग करी, मॉइस्चराइज किया, फिर आपने जो है अपना प्राइमर चले अप्लाई कर लिया, उसके बाद अपनी आईब्रोज फिल करी, आई मेकअप करा, आप अपना फाउंडेशन लगाया, फिर लास्ट थिंग टू सेट योर बेस इज योर फेस पाउडर। ठीक है, प्राइमर क्या चीज़ है? प्राइमर, इट्स अ गुड क्वेश्चन, प्राइमर हमारा ओरी फ्लेम में भी मौजूद है। प्राइमर मेकअप का एक बहुत एसेंशियल हिस्सा है जो कि हमारी पोर्स को और जो भी हमारी स्किन की बम्पिनेस होती है उसको स्मूथ कर देता है और एक स्लाइट सा ग्लो भी दे देता है हमारी स्किन पे। ठीक है, इसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमने करके देखे हुए हैं कि अगर किसी की बहुत ही बम्पी स्किन है तो वो एक स्मूदन अप लुक देती है और वो फाउंडेशन को स्टेइंग पावर भी उसकी बढ़ा देती है। ठीक है, आप फेस पाउडर ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं, अभी ब्रशेज में जो है फेस पाउडर ब्रश भी अवेलेबल है हमारे पास, अगर आप उससे अप्लाई करने के लिए कम्फर्टेबल है तो आप उससे भी कर सकते हैं, वो ईजिली जो है आपकी फेस पे। ठीक है, अभी हम स्पंज से ही जो है अप्लाई करते हैं। हम सिर्फ जॉ लाइन पे एप्लीकेशन आपकी दिखानी है यहाँ पे। जॉ लाइन और थोड़ा सा हाफ फेस कवर कर देते हैं ताकि बाकी हाफ फेस मेंशन हो जाए। इट्स अ मीडियम, इट्स द मीडियम वन। ठीक है, अच्छा हमारे पास इस दफा का जो कलर बॉक्स का क्या लॉन्च हुआ है फेस पाउडर, उसके जो स्पंजेस हैं इट्स अ बिट हार्ड बट इट्स वेरी गुड टू यूज, यानी अगर मैंने इसको लूज एरिया नेचुरल नेचुरल वन। ओके, वी हैव टू शेड्स नेचुरल एंड लाइट, तो हम इसको जरा सा बेंड करके भी, हल्का सा बेंड करके इसको इजीली नोज एरियाज एंड इन जगहों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली अभी ये एक हमारा एक फेस पे हुआ है जिसपे ऑलरेडी मेकअप अप्लाइड है। ओके, इस पे तो ऑलरेडी मेकअप अप्लाइड है, फाइन। ठीक है, ये हमारा एक ये हो गया। हमारे पास जो थी जिसने नॉर्मल और कॉम्बिनेशन स्किन का स्किन केयर रूटीन, आप आ जाओ, आपके ऑलरेडी स्किन केयर रूटीन हुआ है। यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन हमें दिख गई एंड ये हमें डिफरेंस भी दिख रहा है, स्लाइट डिफरेंस ये उस स्किन पे जो कि अभी बिल्कुल भी क्लींस नहीं हुई थी और वो भी वो हमें डिफरेंस दिखा रही है द स्मूथनेस इट गिव्स। नाउ द नेक्स्ट वन प्लीज। अच्छा, बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम हम पूरा मेकअप क्लास नहीं रख रहे, हम सिर्फ इसकी एक मिनी एप्लीकेशन दिखा रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड, फर्स्टली वी विल चेक कि वो ड्रॉ लाइन से जाके मैच कर रहा है। Can I have the other one? This one was light. Yes, this one is light. This one is light. और वो था? Natural. वो natural था। Light goes for you. Where it is, please? हाँ.
इसको इस तरह अच्छे से करके डैप करके आप ब्लेंड कर रहे होते हो फेस के साथ। ओके दैट्स नाइस। तो हमें ये पता चल रहा है कि इसमें माइल्ड सी फ्रेग्रेंस भी मौजूद है, वरना अमूमन हम अगर एक्सपीरियंस करे होते हैं ना, हमारे पास अरसों के रखे हुए फेस पाउडर्स होते थे, उसमें से क्या आ रहा था पाउडरी स्मेल्स के अंदर हमारे पास आने लगती थी। यहाँ पे कंसीलर एंड बाकी मेकअप चीज़ें अप्लाई होंगी, वुड हैव गिवन अनदर लुक। यहाँ पे अगेन एक हाफ फेस एप्लीकेशन है, ये एक स्मूदन लुक दे रहा है, और यहाँ पर हमारे जो थोड़े बहुत डार्क स्पॉट्स है सारी चीज़ें थी अपेयर हो रहे हैं। ठीक है, ये एक स्लाइड से हमने सिर्फ डिफरेंट शो किया है, इट इज नॉट अ होल मेकअप एप्लीकेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्शन में हाँ हाँ यू कैन प्लीज एक वीडियो हमारी साथ में लग रही है, तो काइंडली सेटल डाउन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रेज योर हैंड्स और मैं बिल्कुल उनको आंसर करूंगी। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चंस? कॉम्प्लेक्शन पे कौन सा सही रहता है? इट टोटली डिपेंड्स आपका नॉर्मली। अगर मैं अपना बताऊं कि अगर मैं पोर्सिलिन अप्लाई करती हूँ तो मैं मीडियम चूज करती हूँ उसको सेटल डाउन करने के लिए। ठीक है, तो हमने कभी भी अपनी स्किन के जैसा चूज करना है या स्किन से एक टोन डार्कर चूज करें, क्योंकि हम फाउंडेशन नॉर्मली स्किन से लाइटर चूज कर रहे होते हैं या स्किन वाला, तो वो क्या होता है बैलेंस आउट उसको कर देता है। ठीक है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आप फाउंडेशन अगर अपनी स्किन वाला ले रहे हो तो आप एक मीडियम अगर लोगे ना, ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रोडिक्ट्री वाला फेस पाउडर लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा सेटल डाउन करता है, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस। तो इट्स बेटर टू अप्लाई इट ऑन योर चीक बोन एंड देन टेक इट। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? तो रिकमेंडेशन क्यों नहीं कर सकेंगे? फॉर एग्जाम्पल आप खाली फेस पाउडर दे रहे हो, ठीक है, तो आप डायरेक्ट कॉम्प्लेक्शन देखोगे और उसके साथ जो जा रहा होगा वो दे दोगे। आप फेस पाउडर प्लस फाउंडेशन दे रहे हो तो फिर आप उसका कॉम्बिनेशन मेक करोगे और दे दोगे। अप्लाई के बगैर तो आप कह रहे हो ना कि अप्लाई करो चेक करो फिर दो। ओके फाइन, तो रखना पड़ेगा, आपके पास नहीं हो सकता ये। यूरोप पीपल डू नॉट यूज अ फेस पाउडर, है ना, तो कीप इट वर्किंग वन फॉर योर सेल्फ। मैं ये नहीं कह रही अपना स्पंज हर किसी पे यूज करवा दे, लेकिन वी ऑल नो दिस ना कि हम अपनी ही प्रोडक्ट्स को एज अ टेस्टर यूज करवाते हैं, तो कीप द वंस जो कि आपकी बेसिक टेस्टिंग है जिसकी करानी है, इट्स नॉट अ बिग डील। वरना उसके अलावा हमारे पास एसपीओज एंड ऑफिसेस भी मौजूद है जहां पर ये चीज करवाई जा सकती है। ठीक है, एंड इफ यू आर हैविंग अ गुड नॉलेज अबाउट मेकअप एक्सेट्रा तो आप स्किन देख के क्विकली बता सकते हो, लेकिन मैं जेन्युइनली वो बात कर रही हूं जो कि हर किसी के लिए इजी हो। सही है, कंटिन्यू। ठीक है, अब हम बात करते हैं लव नेचर लिप बाम की। सबसे पहले हम आ जाते हैं कोकोनट लिप बाम। ठीक है, इसमें जो है कोकोनट ऑयल यानी इंग्रेडिएंट में जो है कोकोनट का ऑयल शामिल है और आपकी जो लिप्स है उनको हाइड्रेट रखता है और नरिश रखता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें लव नेचर मैंगो बाम में, तो इसको आप देख सकते हैं मैंगो की फ्रेग्रेंस है इसमें। ठीक है, और ये भी आपकी स्किन को सॉफ्ट रखता है, नरिश रखता है, विटामिन ई जो है वो इसमें शामिल है। दोनों विंटर्स के लिए बेस्ट हैं, कोकोनट एंड मैंगो। मेलन फ्लेवर जो है वो समर्स के लिए बेस्ट है और अगेन उसमें भी विटामिन ई जो है शामिल है। आप इन तीनों को जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। मेलन अच्छा, एक चीज और, जो कोकोनट वाला है वो आप अपनी जो आपकी फिंगर की एंड्स होते हैं उससे आप जो है अप्लाई कर रहे होते हैं लिप्स पे। ठीक है, अदर देन मैंगो और मेलन जो है वो आप अपनी फिंगर टिप्स जो होती हैं उससे अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, जो हमारी फिंगर टिप्स होती है ना उनसे, तो ईजली जो है आपके जो लिप्स हैं वो कर नरिश और जो है हाइड्रेट रख रहे होते हैं। मेलन जो है समर्स में अप्लाई होता है और मैंगो एंड कोकोनट जो है वो हम विंटर्स के लिए, आगे विंटर्स हैं तो मैंगो और कोकोनट जो है वो आप इजीली रेकमेंड कर सकते हैं, ये आप लोग अप्लाई भी कर सकते हैं, करके देख सकते हैं। मैंगो बहुत जबरदस्त है, आप उसकी फ्रेग्रेंस कर
बिल्कुल मैंगो फ्लेवर है, मेलन भी बिल्कुल मेलन जैसे, मतलब मुझे लगा खा रही है कोकोनट वाला जो है इसमें कोकोनट ऑयल शामिल है, ठीक है, यानी इंग्रेडिएंट में कोकोनट ऑयल शामिल है, तो आप इजीली अपनी फिंगर की एंड से जो है रख सकते हैं, मतलब आप अपने फिंगर्स में भी देखें ना कोई चीज़ अगर आप यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी स्किन को सॉफ्ट रखता है, ठीक है, फिंगर टिप से कर रहे हैं तो आपकी स्किन, आपकी जो लिप्स है उनको नरिश कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसा लग रहा है आइसक्रीम के फ्लेवर पूछ रही हूँ, कही मैं मैंगो ये मैंगो है, कोकोनट This is melon. Okay, clear. आप हाँ कोकोनट बहुत जबरदस्त डिस्काउंट पे आए हैं दोनों परफ्यूम्स। और किसी को अप्लाई करना है लुक दे रहा होता है, ठीक है, इवन आप अगर इसको लगाएं तो अक्सर ऐसा लग रहा होता है कि आपने फेक लैशेस लगाई हुई हैं, ठीक है, तो इसकी भी एप्लीकेशन अभी दिखा देते हैं, आ जाए आप पे कोई भी, आ जाए आप, आ जाए कोई भी
मेरे यही वाला अप्लाई हुआ है अभी। हाँ ये भी देख सकते हैं आप। अप्लाई करने का मेथड होता है जो कि वो हाँ। आ जाए ठीक है। मस्काराज बहुत सारे मेथड से अप्लाई हो सकता है, सबके अपने अपने ट्रिक्स होती हैं, सबकी अपनी अपनी क्रिएटिविटीज़ होती है, लेकिन मैं वो मस्कारा का एप्लीकेशन बता रही हूँ जिससे आपकी डॉल्ड अप आइज़ लगती हैं। ठीक है, डॉल्ड अप आइज़ यानी और वाइड ओपन लगती हैं, वो ऑल डॉल्ड अप हो जाती हैं। इनफैक्ट अभी मैंने इसमें कर्लर भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ है और सिंपली इसी ब्रश का इस्तेमाल करते हुए इसको कर्ल अप ही किया है। ठीक है, और इसमें वॉल्यूम कैसे बिल्ड किया हुआ है ये सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँगी। ठीक है, इट्स जस्ट वन वे ऑफ अप्लाइंग मस्कारा। ठीक है, ओके थोड़ा सा फेस, ओके लाइक दिस, बंद करें आईज। यहाँ पे हम इनकी जो आई एरिया का ऊपर वाला, मतलब आई लैशेस का ऊपर वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे पहले वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इसको एक बेस क्रिएट कर दिया। सी द डिफरेंस ऑफ टू आईज अभी ही। अच्छा, आप थोड़ा आई खोले और अब आपने इस आई ब्रश पर आई लिड आपने आई लैशेज बंद करनी है। ठीक है, हेयर यू गो, खोले बंद करें बहुत आराम से, आँख में अंदर नहीं जाएगा, बहुत आराम से करें, खोले आराम से, इस पर बंद कर दें, खोले बंद कर दें, खोले बंद कर दें, खोलिए बंद कर दें, खोलें खोलें पूरी खोलें, बंद करें। यस, सो हियर यू गो विद इट। अब इसमें हम नीचे इसकी बेस अप्लाई कर रहे हैं। खोले रखें। अब इसका एक आप क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं बोथ आईज में। बंद करें, दो बोथ आईज बंद करें, ओपन करें। ओके, एक आई पे छोड़ दे, लगा दे दूसरे पे। नहीं, बहुत अच्छा लगेगा, है ना? आपको बता रही होंगी, दिस इज द डिफरेंस। ओके, और फौरी तौर के ऊपर लोग ले लेंगे। हाँ, एग्जैक्टली, ओह माय गॉड, दिस इज द डिफरेंस। ओके, क्लोज द आईज नाउ, प्लीज प्लीज, थोड़ा सा साइलेंस प्लीज, थैंक यू। ये खुद भी कर सकते हैं जी, पर्सनली भी आप? ये मैंने पर्सनली खुद से लगाई हुई है, मतलब खुद से अप्लाई किया हुआ है, अगेन पर्सनल एप्लीकेशन है। सही है, अभी मेरी नहीं अप्लाई हुई हुई होती तो मैं आप लोगों को जरूर खुद से दोबारा करके दिखा देती। ओपन अप, ऊपर से अप्लाई हुआ था बेस, अब जो है ना वो ये ना सेपरेट कर देता है। करें, खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, बंद करें, ओके बंद करें, आराम से आराम से, बिल्कुल हाँ बंद करें, ओके फाइन, खोल लें, बस ठीक है। ये इसकी एप्लीकेशन है, सो इट्स डन। ओके सही है, ठीक है, आप लोग सेटल डाउन हो जाए जल्दी से, ट्रेनिंग को आगे फर्दर कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि अब हम बिल्कुल एंडिंग की तरफ है। तो
ट्रेनिंग को अभी कंटिन्यू करेंगे. अभी आप लोग बताएं आप लोगों को कैसी लगी न्यू प्रोडक्ट्स. हाँ ठीक है. कितने क्या क्या प्रोडक्ट्स मंगवाई हैं आप लोगों ने अपने लिए? आहिस्ता आहिस्ता मंगवाना स्टार्ट करें. लिपस्टिक इतने अमेजिंग डिस्काउंट पे आए हुए. हमारे बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जो कि हम वो सिर्फ उन्हें शेड्स तो पसंद आते हैं लेकिन सिर्फ ये देख के रुक जाते हैं कि 2000 की शॉपिंग कौन करे इन लिपस्टिक को अवेल करने के लिए. तो एक टिप दे रही हूँ आप लोगों को. नॉर्मली आप लोगों के तो ऑर्डर्स जा ही रहे होते हैं. बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनको लिपस्टिक्स अवेल नहीं करनी होती. तो आप लोग जब जब 2000 का ऑर्डर करें लिपस्टिक के शेड्स ज़रूर अवेल करें. तो आप इजिली अपने कस्टमर्स बनाने के लिए जो है वो उनको विदाउट 2000 का ऑर्डर आप उनको लिपस्टिक दे सकते हैं. ठीक है. थोड़ी वीडियो पॉज ही कर लेते हैं.